प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 29 देखो। आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी करा दी है मैंने। आप सारे क्वेश्चन देखो यार, नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट के अंदर है, मज़ा आ जाएगा। आपसे कह रहा था एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 टाइम्स देयर एससीएफ। तो एलसीएम जो है द एलसीएम ऑफ देयर, ठीक है, तो एलसीएम जो दे रखा आपको 45 टाइम्स दे रखा, किसका? एचसीएफ का। इक्वेशन नंबर वन। आगे बोल रहा है हमसे, कह रहा द सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज 1150। तो एलसीएम में एचसीएफ को जोड़ोगे तो आ जाएगा 1150। इक्वेशन नंबर टू। आगे बोल रहा है इफ वन नंबर जो है वो 225 है, तो एक नंबर आपको दे रखा है उसको पी कह दो, पी दे रखा आपको 225। तो आपसे पूछ के रहा फाइंड द अदर नंबर, तो आपसे क्यों पूछ रहा, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो बता देंगे, आसानी से बता देंगे। जरा देखो एलसीएम कितना, 45 गुना है एचसीएफ का, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 45 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इज इक्वल टू 1150। आप शॉर्टकट अपनाना, शॉर्टकट कुछ इस तरह से अपनाना कि एचसीएफ को आप कुछ कह देना, तो ये हो जाएगा 46 एचसीएफ इज इक्वल टू हो जाएगा 1150। तो एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी 1150 अपॉन 46। तो ये आपके पास एचसीएफ है। एलसीएम कितना हो जाएगा? आगे कुछ और कह रखा क्या? एचसीएफ आपके पास जब ये आ चुका तो आप एचसीएफ की वैल्यू, एचसीएफ की वैल्यू यहाँ रख के एलसीएम बता सकते हैं। तो आपके पास एलसीएम कितना हो जाएगा? हाथ तो आप बता दो। एलसीएम ये हो जाएगा आपके पास 45, एचसीएफ की वैल्यू पुट कर दो 1150 डिवाइडेड बाय 46। तो आपके पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया। एक नंबर ये है, दूसरा नंबर पूछ रहा, तो आपको पता है एचसीएफ इंटू एलसीएम ये होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब आप सॉल्व कर लो इसको। आपके पास एचसीएफ कितना है? 1150 और नीचे है 46। एलसीएम कितना आपके पास? 45 इंटू 1150 डिवाइडेड बाय 46। एचसीएफ एलसीएम का मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, इधर चला प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, पी की वैल्यू कितनी है? 225। तो आपको क्यू बताना। सॉल्व कर लें क्या? सॉल्व कर लें क्या? क्वेश्चन ऐसे नहीं हो रहा कि थोड़ा लंबा बैठ रहा हो? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कुछ लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है। चलो देख लेते हैं कितना लंबा हो रहा है। जरा 5 से काटें या फिर 15 से काटें, 15 ही कम 15 कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, 15 × 5 = 75। और 15 से काटेंगे, 15 × 3 = 30, 15 × 3 = 45, 3 बार चला जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 × 5 = 15, 5 बार चला जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 × 10 = 10, 1 × 5 = 15, 230, ठीक है, ये 230 आ गया। तो वैल्यू तो यार ज़्यादा बैठ रही है, तो यहाँ पर वैल्यू आ रही है 1150 का मल्टीप्लाई करना 230 के साथ और डिवाइड कर देना 46 × 46 से, बस जो भी सॉल्व करके आ जाए। चलो देख लेते हैं सॉल्व करके, 200 काटो, 23 बार चला जाएगा। 200 काटेंगे, 2 × 5 = 10, 1 बचा, यहाँ लगा देंगे 2 × 7 = 14, 1 बचा, यहाँ लगा देंगे 2 × 5 = 10। 23 से काटेंगे, ये 10 बार चला जाएगा। लो भाई लो, इतना तो कट गया भाई। 200 काटो, 200 काटेंगे तो 2 × 4 = 6, 2 × 3 = 6, 200 काटेंगे, 2 × 4 = 6, 2 × 8 = 16, और 200 काट, ये एक यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये 200 नहीं कटेगा भाई, पूरा पूरा तो नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो एक काम करो, इसे रहने दो, इसे काट दो 2 × 5 = 10। 200 काटेंगे, 2 × 5 = 10। अब देख लो यार, 575 की 500 मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू एग्जैक्टली तो नहीं आ रही। देखो 5 × 5 = 25 का 5 कैरी दो, 5 × 7 = 35 और 2 × 37 = 7 कैरी 3, और 5 × 5 = 25 और 3 कितने हो गए? 28। 2875 को 23 से भाग कर दो तो 23 से काटेंगे तो 1 बार चला जाएगा, बचेंगे कितने? 5, उधार लेंगे 7, 23 × 46, 23 + 3 कितने हो जाएंगे? 69। तो 69 तो ज़्यादा हो रहे हैं, 2 बार चले जाएगा, 23 × 46। सब्ट्रैक्ट करने पर कितने बचेंगे? 11, उतार लेंगे आप यहाँ से 5, तो देख लो कितने जा रहा, 23, 5 बार चला जाएगा। 23 की 500 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15 = 5 हासिल लगेगा, 5 × 2 = 10, 10 और 1 = 11, 115। ये तो पूरा पूरा कट गया, 5 × 2 = 10 और 5 × 3 = 15, 115, तो ये तो पूरा पूरा कट गया, 5 बार कट गया, 23 × 5 = 125 आ रहा है इसका आंसर।
125 आ रहा पूरा पूरा, तो कहीं ना कहीं हम भी कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक कर रहे थे। तो 29 का आंसर हो जाएगा 125। थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेटिव पार्ट है, LCM और SCF का रिलेशन दे रखा था और LCM और SCF का सम दे रखा था 1150। तो आपने वैल्यू पुट करके यहाँ से LCM और SCF को इंडिविजुअली फाइंड आउट किया, फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेशन की आंसर आ गया आपके पास 125। होप सो समझ में आ गया होगा, कैलकुलेटिव पार्ट था थोड़ा सा ये।